नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे ड्रेसडन T10 का आज का दिन का जो तीसरा मैच होगा। देखिए, तीसरा और चौथा मैच सेम टीम के बीच होगा। कौन सा टीम? ACB केरला कॉम्बैंस वर्सेस USCM के बीच होगा। ठीक है, तो दोनों मैच सेम होगा, 3 और 4, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत कुछ रहेगा। देखिए, इन्होंने T10 खेला है, इनके कई प्लेयर्स T10 खेले और कुछ प्लेयर्स ने T10 नहीं खेला है, तो उसका तो रिकॉर्ड आपको वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मिलेगा वो होगा इनका रिसेंट डोमेस्टिक T20 के परफॉर्मेंस, ज़्यादातर T20, कुछ ODT के परफॉर्मेंसेस। ठीक है, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा 2022 सीजन में क्या था इनका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस और बहुत कुछ जो मुझे ऑब्जर्वेशन लग रहा है। पहला मैच करेंटली चल रहा था, उसमें जो ऑब्जर्वेशन था बहुत कुछ बताऊंगा वीडियो में। सिर्फ ध्यान से आपको अंत तक वीडियो देखना है, और उसके बाद आपको अगर डोमेस्टिक में भी इंटरेस्ट है, जैसे कि इंटरनेशनल का भी हम लोग X22 बाईसेल पिक्स वगैरह के दो पिक्स हो या डेमो टीम्स वगैरह शेयर करता हूँ मैं आपके साथ टेलीग्राम पे, और जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं जिनके स्टैट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि पोर्टुगल T10 का वीडियो मिलेगा अगला, ये रहेगा ड्रेसडन T10, इससे पहले आपको ओडिशा वुमेंस T20 मिला है, तो इनके कवरेजेस चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना फाइनल अपडेट के लिए, जहाँ पे फैंटेसी दुनिया मेंबर्स एक्टिव रहते हैं। गाइस, होप ये मैच भी अच्छा जाए उनके साथ आपका भी। ठीक है, मैं आता हूँ एनालिसिस में, लाइक करके स्टार्ट रखना। एंड हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जहाँ से इजीली टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। जिनको लिंक पसंद नहीं है, जिनको मेहनत करना पसंद है, वो सर्च भी कर सकते हैं, बट केयरफुली करना, गलत प्रेस करोगे तो पेड ग्रुप में जाओगे, पैसा लेगा, वो आपकी मर्जी, देना है दे देना उनको। आता हूँ मैं भी एनालिसिस में। 6 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, इंडियन टाइम, और 90 से 110 रन एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का। ग्राउंड अच्छा है बैटिंग के लिए, पहला मैच में बड़ा स्कोर बन रहा है, बट दोनों टीम देखोगे ना, दोनों टीम बहुत वीक है। अब देखो, इनके ओपोनेंट मतलब USCM के जो ओपोनेंट है ना, वो इतना ज़्यादा वीक है कि इनको ना एकदम हीरो लग रहा है। जैसे कि आप अगर, चलो मान लेता हूँ, आप अगर मिरर के सामने जाओगे, जाके आप कंपेयर करोगे एक गधे के साथ, कौन ज़्यादा हैंडसम है, कौन किसके ज़्यादा दिमाग अच्छा है, तो दिखेगा आपको यार आप बहुत हैंडसम हो, आपका दिमाग भी अच्छा है, बट एक्चुअली वो है नहीं, क्योंकि आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, ये अच्छा बुरा जो भी होता है, तो USCM बेटर टीम है अगर इनका बेस्ट 11 खेलता है तो, कंपेयर टू इनके ओपोनेंट। इनएक्सपीरियंस ओपोनेंट है, अब कोई निकल के आया तो बात अलग है, अदरवाइज यार दोनों ही टीम कुछ खास मुझे तो दिख तो नहीं रहा है, एटलीस्ट करेंटली। ठीक है, अब न्यू स्क्वाड में प्लेयर एंट्री होता है तो उसका रिकॉर्ड मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शो कर दूंगा, तो वेट करना वहीं पे जाके। अभी आता हूँ एनालिसिस में। देखो, पोदी शेट्टी ओपन करेंगे किसके साथ? मोवा के साथ, राहुल मोवा के साथ। साहिल शेट्टी वन डाउन खेलेंगे, फिर खेलेंगे कुंचप्पू। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, मोवा का सिलेक्शन बहुत लेस है, यह पंत हो सकता है, पंत पॉजिटिव पंत। साहिल शेट्टी भी आपके लिए पॉजिटिव पंत हो सकते हैं, सिलेक्शन बहुत ही लेस है ऑलराउंडर से, बॉलिंग सेक्शन में, बट एज ऑलराउंडर प्ले करेगा तो ठीक लग रहा है हमारे लिए, दो अच्छे पीक है पंत। हाँ, आता हूँ अभी एनालिसिस में। देखो, साहिल शेट्टी आपको मिलेंगे मोस्टली बॉलिंग सेक्शन में। ठीक है, मैंने ये बॉलिंग सेक्शन वाला जो है ना, मतलब ड्रीम इलेवन में जैसे कि मैं लिखता हूँ हमेशा, वो उसके हिसाब से अरेंज नहीं किया गया है, ध्यान देना साहिल शेट्टी के ऊपर। 8 मैच T10 का खेला है बंदे ने, 12 ओवर में 7 विकेट, आपको दिख के लग रहा होगा सिर्फ 34 रन है, तो ये बंदा बैटिंग से कहाँ पॉइंट देगा, बट ये बैटिंग कर सकता है। ठीक है, इनके प्लेयर्स का हालत लास्ट सीजन में बहुत ही ख़राब था, इन्होंने डोमेस्टिक में 15 मैच में 16 का एवरेज से 197 रन बनाया 2022 सीजन में। ठीक है, 74 ओवर में 20 विकेट, मतलब बहुत ही अच्छे बॉलिंग ऑप्शन है आपके लिए, बैटिंग से भी पॉइंट दे रहे, तो ये बढ़िया कैप वी सी है मेरे हिसाब से, वन ऑफ द सेफेस्ट पिक। श्री कुंचप्पू सिर्फ बैटिंग से पॉइंट देगा, 8 ECS मैच में 72 रन बनाया, और डोमेस्टिक में 16 मैच में सिर्फ 11 का एवरेज, इनसे तो एवरेज ज़्यादा दिखेगा आपको साहिल शेट्टी का ही डोमेस्टिक में। ठीक है, तो साहिल शेट्टी थोड़े से मुझे बेटर लग रहे हैं इनसे। रणधीर पोदीशेट्टी अब इस टीम का प्रमुख बैट्समैन है, जिन्होंने ECS में तो ज़्यादा बैटिंग अच्छा किया नहीं है, सिर्फ 8 मैच में 8 मैच में सिर्फ 54 रन बनाया, बट बंदे ने बॉलिंग कराया, 9 ओवर में 8 विकेट है, जब डोमेस्टिक खेला है ना 17 मैच में इन्होंने 29 का एवरेज से 441 रन बना के रखा, 62 ओवर में 25 विकेट, आई थिंक बहुत बढ़िया कैप भी से, स्पेशली अगर ओपन करता है मुझे लगता है कराएगा। लेट्स सी प्लेइंग 11 अपडेट आने के बाद, मैं ऑफिशियल अपडेट आपके साथ शेयर कर दूंगा प्लेइंग 11, बट मुझे लगता है कि 90% चांस है एज ओपनर ही इनको प्ले करना चाहिए। राहुल मोवा 7 मैच में ना 60 रन बनाया, से 5 ओवर में 4 विकेट निकाल के रखा, ECS में ओवर इनका बहुत ही कम था बट विकेट था,
बट जब इन्होंने डोमेस्टिक खेला है ना, सिर्फ 6 मैच खेला है बट 101 रन ठोक के रखा है उसमें, 20 ओवर उसमें भी डाला है, 6 मैच में 20 ओवर, 3 ओवर रेट के आसपास है इनका और 8 विकेट भी है, तो ये आपके लिए बढ़िया पिक हो सकता है। मुझे लगता है आइडियली ओपन आना चाहिए, बट पति शेट्टी मेरे हिसाब से जरूर ओपन आएगा। ठीक है जी, टंगड़ीला कभी कभार ओपन आ जाता है, ईसीएस में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है बट डोमेस्टिक में 9 मैच में 110 रन है, 12 ओवर में 7 विकेट भी है। ठीक है शफी गुल जाए बढ़िया सा पंथ है, कोई नहीं लेने वाला क्योंकि सिलेक्शन लेस है, 7 ही मैच खेला है इन्होंने ईसीएस में बट 7 ओवर डाला है, मतलब पार मैच में 1 ओवर है इनका ओवर रेट, विकेट बहुत कम है, बट इन्होंने ना डोमेस्टिक में 14 मैच खेलते हैं ना कुछ हिटिंग कराया बट 54 ओवर में 19 विकेट है, तो बॉलिंग से बेटर दिख रहा है मुझे, तो ट्राई कर सकते हैं हम लोग। साई विवेक जीवनकर शायद विकी कर ले, 7 मैच में 9 रन, 16 डोमेस्टिक मैच खेला है जहाँ पे 33 के एवरेज से 327 रन है, बैट फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में। ठीक है ईसीएस में कुछ खास नहीं है, 7 मैच में सिर्फ 9 ही रन है। हरि पटेल ईसीएस में ना 6 मैच में पर मैच में 1 ओवर रेट से बॉलिंग कराया, सिर्फ 3 ही विकेट है बट इन्होंने जब डोमेस्टिक में बॉलिंग कराया ना 14 मैच में लीडिंग विकेट टेकर, 25 विकेट है बंदे ने, 59 ओवर में ले चुका है ऑलरेडी, तो गाइस यार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है हरि पटेल भाई। फरहाद बिलीमोरा 3 मैच में 1 रन, ओवर है 0, विकेट है 0। विनोद रेड्डी बुदाटी बढ़िया सा डिफेंशियल पिक, एक और मेरी टीम में जो 13 मैच में सिर्फ 13 मैच में 23 विकेट डोमेस्टिक में 56 ओवर डालते हैं, मैं ना बॉलर्स को जरूर ट्राई करने वाला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। हर्षद हल्ला 12 मैच में 88 रन है बंदे ने किया है, 14 ओवर्स में 2 विकेट भी है बंदे के पास, कुछ खास मुझे बहुत लग नहीं रहा है। मंदी बल्लू डिसेंट है, खेलता है तो ट्राई कर सकते हो क्योंकि 11 डोमेस्टिक मैच, देखो 2022 मतलब क्या है ना, 2022 में इनके जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं ना ये ज़्यादातर T20 है, 3-4 वनडे है, अदरवाइज बाकी सब T20 है, तो 11 T20 मैच में ना मंदी बल्लू ने ना 11 मैच में 37 ओवर में 15 विकेट निकाल के रखा है। ठीक है 2022 इसीलिए मैंने मेंशन किया। देखो मिक मुरे का भी 2022 मेंशनड है, 8 मैच में 17 ओवर डाला है इन्होंने डोमेस्टिक में 9 विकेट, नंबर ऑफ ओवर्स थोड़ा सा कम है, 8 मैच में 17 सिर्फ 2 समथिंग है। ठीक है जहाँ पे 4 ओवर एटलीस्ट होना चाहिए। दीपक नंदकुमार 11 मैच में 69 रन, निखिल कुरैनी 13 मैच में 12 विकेट है, 37 ओवर इनके पास भी है, नंबर ऑफ ओवर्स वेरी डिसेंट है, ट्राई कर सकते हो। पी करती रहे 8 मैच में सिर्फ 8 ओवर है डोमेस्टिक में, कुछ खास नहीं इग्नोरिव। एस सलीक 4 मैच में सिर्फ 7 ओवर में 3 विकेट है, साई थल्लूरी ने 10 मैच में सिर्फ 5 डाला है, ओम भवसर एस बैट्समैन प्ले करते और सी शंकर मची 2 मैच में सिर्फ 8 रन है। ठीक है अब देखो एसीबी के ऊपर गाइस, मैं ना यहाँ पे माफी चाहता हूँ आपसे कि मैं ना ये जो अरेंजमेंट था ना, ये अरेंजमेंट आपको मैं जो हमेशा क्या करता हूँ, मैं ड्रीम इलेवन में जो अरेंजमेंट होता है ना, सबसे ऊपर विकी होता है, फिर बैट्समैन होता है, फिर ऑलराउंडर, फिर बॉलर, उस अरेंजमेंट से मैं रखता हूँ, उसमें ईजी होता है हमें समझना कौन से प्लेयर कहाँ पे आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या हुआ है मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा नहीं। ठीक है एसीबी से ध्यान दो, प्रोबेबल टॉप ऑर्डर में ना रोहित उन्नीतन कराएगा, ठीक है ओपन कराएगा नागाथन कंडी के साथ, वन डाउन आएंगे शायद ये ना, देखो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना वेरी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनके बहुत सारे प्लेयर है ये रिसेंटली क्रिकेट खेला ही नहीं है, ज़्यादातर प्लेयर 2021 में खेला था, लास्ट सीजन में खेला था, और ऊपर से ना गाइस ये जो टीम है ना थोड़ी सी अनसर्टेन टीम है, और इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो प्लेइंग 11 निकलेगा ना मैं उसके बाद आपको बता पाऊंगा इनका एग्जैक्ट लाइनअप क्या है। मोस्ट प्रोबेबली रोहित उन्नीतन को टॉप ऑर्डर में खेलना चाहिए, किसके साथ गाइस, टोजो है ना, टोजो भैया का या टोजो थॉमस के साथ। अब देखो ध्यान दो एक एक प्लेयर के ऊपर, रोहित उन्नीतन विकी सेक्शन में मिलेंगे, अर्जु जो 14 मैच में सिर्फ 71 ही रन बनाया बट हाँ कंपेयर टू अदर प्लेयर इस टीम के लिए तो बेटर बैट्समैन है। अर्जुन नागाथाकंडी 6 मैच में सिर्फ 55 ही रन बनाया है और डोमेस्टिक में 2021 में 6 मैच में 61 रन है इनका, 3 ओवर में विकेट एक ही है। टोजो इस टीम का प्रमुख प्लेयर में से एक होगा जो 12 मैच में ना 46 रन बनाया ईसीएस में, डोमेस्टिक में 5 मैच में 40 रन, 10 ओवर में 8 विकेट। नितिन भाई ने 8 मैच में 6 ओवर में 2 विकेट निकाला है ईसीएस में, 6 मैच में 12 ओवर में 5 विकेट निकाला डोमेस्टिक में, कहाँ पे 2021 में, क्योंकि 2022 में ना इनके जो टीम था ना वो खेला ही नहीं है गाइस, उनके रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है यार, रिकॉर्ड है ही नहीं तो मैं दूंगा कैसे, तो गाइस मैं कोई गलत रिकॉर्ड लिखता नहीं, 2021 का जो रिकॉर्ड था उसके ऊपर अकॉर्डिंग और टू दिस हम लोग एनालिसिस करेंगे फिर समझेंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेस कर सकते हो। देखो मैच खराब नहीं है आपके पास, जितना स्टार्ट होगा वो काफ़ी होगा कंपेयर टू अदर्स, बट वो काफ़ी नहीं है अगर आप देखोगे, कोई भी प्लेयर आके खेल सकता है जो करेंटली शायद आपको अलग ही स्टेट या अलग ही कंट्री के लिए खेलते हुए दिख रहा है, तो ये मैच स्लाइटली रिस्की हो सकता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 2021 के बाद इनके रिकॉर्ड अवेलेबल है ही नहीं। जूनो वर्गेस प्रमुख बॉलर है, T10 में 3 मैच में 5 ओवर में 4 विकेट,
2021 में 5 मैच में 11 ओवर में 7 विकेट निकाला था। इसी टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। जीबी जैको बॉलिंग करते हुए दिख सकता है, 5 मैच में 10 ओवर में 2 विकेट था इनका, तो ट्राई कर सकते हो गाइस। मैं क्या करूंगा ना, मैं जो मैक्सिमम बॉलर है ना इनके टीम में, अगर बॉलिंग फर्स्ट हो मैं इनको ट्राई करूंगा, जैसे कि हो गया जे वर्गेस, हो गया जीबी जैकब, नितिन दास, टोजो तमास, इनको हम लोग ट्राई करेंगे ठीक है अपने टीम में। अब आता हूँ कहाँ पे मैं, सीधा हमारी टीम में आता हूँ। कई प्लेयर्स इनके टीम का अवेलेबल नहीं है, स्टैट्स मैं ढूंढ रहा हूँ अभी भी, अगर मेरे पास अवेलेबल हो जाता है आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर करूँगा। पोर्टुगल T10 का भी वीडियो मैं अगला शेयर करने वाला हूँ, तो फटाफट टेलीग्राम जुड़ के रखना। फिलहाल कैप्टन है आर चौधरी मोवा, VCA पोजीशन टीम। मैं शायद ये ऑल्टरनेट करूँ, आफ्टर टॉस प्लेइंग 11 निकलने दो, उसके बाद मैं एक बार कंफर्म हो जाता हूँ कौन ओपन करेगा, उसको मैं कैप्टन पर डालने वाला हूँ। एम अल्लू है, हार्दिक पटेल, SCT, SGulje, गैस ये भी अच्छा बॉलर है, तो यहाँ पे किसी भी बॉलर को यूज़ कर सकते हो, ये ओपन आ सकता है। इसके लिए फिलहाल मैंने इनको बैकअप के लिए बना के रखा अपनी टीम में। टोजो थॉमस, अभिलाषा पटेल और जे वर्गीस है, ये रहेगा फिलहाल मेरा अपडेट इस मैच का फाइनल, और फ्यूचर मैचेस का अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम पे आ जाएगा, तो जुड़ जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू गैस, मिलते हैं मैच टाइम पे।